see of question number 4, exercise 2.2, right? So the sum is 258 multiply by 1008. हम लोगों ने सूटेबल प्रॉपर्टी यूज कर कर इसको सॉल्व करना है, ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देनी है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सप्लिट करेंगे. हमें पता है हम लोगों ने सप्लिटिंग कैसे करनी है. इज इक्वल टू का साइन इज मस्ट, 258 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1000 प्लस 8. 1000 प्लस 8 में मैंने उसको बच्चे सप्लिट कर लिया है. अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है बेटा जी, दैट जो 258 है वो अंदर 1000 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो अंदर और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के साथ. आप ऐसे एरोज लगा सकते हो, एरोज लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आप लोगों का स्टेप गलत नहीं होगा. देन आप लोगों ने 258 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, राइट. आगे साइन कौन सा है हमारे पास, प्लस का साइन लगा देना है. देन 258 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों ने, 8 के साथ. अब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की है, यहाँ पर मैंने 258 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ एंड देन 8 के साथ. तो यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मैंने यहाँ पर लिख देना है, इसका भी हाफ मार्क होता है, अगर हम नहीं लिखते तो हमारे नंबर कट जाते हैं. अब मुझे अंडरस्टैंडिंग है दैट सबसे पहले मैं मल्टीप्लीकेशन ही करूँगी. आप लोग सोच रहे होंगे क्यों मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बोर्ड मास के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. सो ब्रैकेट डन, ऑफ है नहीं हमारे पास, डिवीजन का साइन है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन. सबसे इजी मल्टीप्लीकेशन होती है ये, 258000 आप लोगों के लग जाएंगे. आगे हम लोगों ने 258 को 8 के साथ करना है, हम साइड पर अपने पेज के ऊपर उसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 8 8 64 8 5 40 40 plus 6 46 8 2 16 16 plus 4 20. तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगी, 2064. मल्टीप्लीकेशन के दोनों स्टेप हो गए. उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, एडिशन. यस, देयर इज अ साइन ऑफ एडिशन. तब हम लोगों ने साइड पर क्या कर लेनी है, एडिशन 258000 एंड पीछे से हम लोगों ने लिखना है 4602 एंड यहाँ पर साइन कर देना है प्लस का. यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6, 0, 8 प्लस 2, 10, 1 कैरी चला जाएगा, 6, 2. सो आवर आंसर इज 260064 इज द आंसर. सो दिस इज द सम, वेरी वेरी इजी सम.